74 के आंदोलन में जिस व्यक्ति ने अपनी बेटी का नाम मीसा रखा हो वो कांग्रेस पार्टी के गोद में खेलता हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो। स्पष्ट तौर पर सभी पदाधिकारी को बता दिया गया और कोई भी व्यक्ति, कोई भी अफसर हो, बड़े से बड़ा अफसर हो, आपको हर हालत में काम करना पड़ेगा और कानून का राज स्थापित करना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी ने जो सुशासन स्थापित किया उसको फिर से स्थापित करना पड़ेगा। ये लालू जी का राज नहीं है जो सीएम हाउस में बैठकर ऑर्गेनाइज क्राइम होगा। मैं बधाई देता हूं संजय झा जी को और कोऑर्डिनेशन अधिक अच्छा होगा। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार भी चल रहा है और जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथियों के साथ मिलकर इस प्रदेश को और समृद्ध बनाना है, इसमें एक संजय झा जी का और बड़ा योगदान होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में, मैं आपके साथ है संजीव सिंह। आज प्रधानमंत्री मोदी 111वीं बार मन की बात के जरिए पूरे देश की जनता को संबोधित किया और इस अवसर पर बिहार बीजेपी प्रदेश कार्यालय में तमाम जो बीजेपी के नेता हैं साथ में डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे और मन की बात सुनने के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए सम्राट चौधरी ने विपक्ष पर जमकर हमला किया और साफ तौर पर तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए कहा है कि जिस प्रकार से विपक्ष लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठा रहे हैं ये लालू यादव की राज नहीं है, ये सुशासन की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है, यहाँ पर अपराधियों का बोलबाला नहीं चलेगा। साथ साथ आपातकाल का जिक्र करते हुए सम्राट चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बयान को सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने फिर से मन की बात 111वां बार आज देश को संबोधित करने का काम किया। पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरे बिहार की तरफ से मैं हम उनका स्वागत करते हैं और उन्होंने बताया कैसे ये राष्ट्र 1857 के पहले भी इस बिहार के सिंधु कानू जी ने किस तरह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया। देश के लोगों से आग्रह किया कि हम एक पेड़ माँ के नाम उनके श्रद्धांजलि में लगाएं या उनके सम्मान में लगाने का काम करें। इसलिए इस देश को संबोधन का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, हम लोग स्वागत भी करते हैं और आगे भी पिछले 110 बार जो उन्होंने इस देश को संदेश दिया उससे भारत श्रेष्ठ हो रहा है, भारत समृद्ध हो रहा है, भारत बढ़ रहा है, आगे भी उनके मार्गदर्शन में यह देश आगे बढ़ता रहेगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष बने संजय झा जी, कितना कोऑर्डिनेशन को और एकदम मैं बधाई देता हूं संजय झा जी को और कोऑर्डिनेशन अधिक अच्छा होगा। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार भी चल रहा है और जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथियों के साथ मिलकर इस प्रदेश को और समृद्ध बनाना है, इसमें एक संजय झा जी का और बड़ा योगदान होगा। लगातार अपराधी घटनाओं को लेकर तेजस्वी प्रसाद यादव ट्वीट करते हुए नजर आ रहे हैं। अब लालू जी को कुछ चीजें याद नहीं रहती है, बुजुर्ग हो गए हैं, बूढ़े हैं, आदरणीय हैं, लेकिन एक चीज समझिए कि 74 के आंदोलन में जिस व्यक्ति ने अपनी बेटी का नाम मीसा रखा हो वो कांग्रेस पार्टी के गोद में खेलता हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो। आपातकाल इस देश के लिए काला अध्याय है, इस देश के लिए बदुआ दाग है और लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाला समय रहा। इस देश के हजारों राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल में बंद करके रखा गया, हजारों पत्रकार साथियों को जेल के अंदर बंद करके रखा गया, सुप्रीम कोर्ट के साथ छेड़छाड़ किया गया, संविधान के साथ छेड़छाड़ किया गया और सेक्युलर शब्द लाकर भी इस देश में सेक्युलरिज्म नहीं ला पाए, यही दुर्भाग्य था। लेकिन जब मोदी जी की सरकार बनी 2014-19 में तो सेक्युलर इस पूरे देश में स्थापित हुआ, यही आप समझिए। यशवी जी ने फिर से लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा दिया। देखिए एकदम स्पष्ट रहिए, स्पष्ट तौर पर सभी पदाधिकारी को बता दिया गया और कोई भी व्यक्ति, कोई भी अफसर हो, बड़े से बड़ा अफसर हो, आपको हर हालत में काम करना पड़ेगा और कानून का राज स्थापित करना पड़ेगा।
नीतीश कुमार जी ने जो सुशासन स्थापित किया उसको फिर से स्थापित करना पड़ेगा। ये लालू जी का राज नहीं है जो सीएम हाउस में बैठकर ऑर्गेनाइज क्राइम होगा। ये नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार है, पूर्ण रूप से सुशासन स्थापित किया जाएगा। तो आपने सुना कि साफ तौर पर सम्राट चौधरी ये कहते नजर आ रहे हैं कि हमने हर एक अधिकारी को निर्देश दे दिया है कि किसी भी हाल में कानून का पालन होना चाहिए, अपराधी का मनोबल किसी भी हाल में नहीं बढ़ना चाहिए। और आपातकाल का जिक्र करते हुए कहा है कि आप लोगों ने देखा होगा कि उस समय जब आपातकाल हुआ था उसमें पत्रकार बड़े बड़े नेता को जेल में कर दिया था, संविधान के लोगों ने उल्लंघन किया था, और साथ ही साथ बिहार की वर्तमान राजनीति को लेकर के भी कई तरह की बात करते नजर आए सम्राट चौधरी। आप भी सुने थे, क्या कुछ करते, आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार।